हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई हो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंड्स आलू सोया भरी की सब्जी, जो बनती है बहुत ही टेस्टी। तो चलिए फ्रेंड्स, देर किस बात की, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने सोयाबारी को ठंडे पानी में 10 से 15 मिनट भिगो के रख दिए थे, फिर पानी निचोड़ लिए हैं। और इधर हमने आलू बॉयल करके हम इधर कट कर लिए हैं। चलिए बनाते हैं फटाफट। तो इधर देख सकते हैं फ्रेंड, हमने गैस पे पैन को चढ़ा दिए हैं। पैन को हम अच्छे से बिल्कुल पहले गरम कर लेंगे। अगर आप पहले सोयाबरी को फ्राई करते हैं तो कढ़ाई बिल्कुल गरम होना चाहिए और तेल भी बिल्कुल गरम होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अगर आप डाल देते हैं तो चिपकने लगता है। इसलिए गरम बहुत अच्छा से होना जरूरी है, इस बात का आप खास ख्याल रखें। और देख सकते हैं हमने तेल को कढ़ाई में अच्छे से फैला दिए हैं और हमने सोयाबरी को डाल दिए हैं। और आपके पास टाइम नहीं है तो जल्दी में बनाना है तो आप गर्म पानी में भी डाल सकते हैं, तो 1 से 2 मिनट में ही अच्छे से फूल जाती है और फिर इसका पानी आप निचोड़ सकते हैं। तो बस इसको हम गोल्डन होने तक देख सकते हैं, हमने फ्राई कर लिए हैं। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो जितने अच्छे से आप इसको फ्राई करते हैं उतना ये अच्छा से चिमड़पन में आता है, तो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो बस इसको हम निकाल लिए हैं और सेम पैन में ही थोड़ा सा ऑयल और डाल रहे हैं। जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं तो कोई भी कुकिंग ऑयल आप डाल सकते हैं। और जैसे ही तेल अच्छे से बिल्कुल गर्म हो गया है तब हम इसमें आलू को डाल देते हैं और इसको हम अच्छे से गोल्डन कलर तक आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। आप ज्यादातर वीडियो में देखे होंगे फ्रेंड्स कि जब आप उबले हुए आलू से बनाते हैं तो वो लोग फ्राई नहीं करते हैं, पर आप जब फ्राई करिएगा तो उसका टेस्ट देखिएगा, बहुत अच्छा आता है। और आप ऐसे ही डाल दीजिएगा तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग ही रहेगा। तो आप जरूर इस तरह से ही बनाइए, थोड़ा सा फ्राई करके टेस्ट दुगना हो जाएगा। तो फ्राई हो गया तो आलू को निकाल लिए हैं और इसी सेम पैन में फिर से हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब ऑयल को हम अच्छे से पहले गरम कर लेते हैं। और देखिए हमने उबले हुए आलू को इस तरह से निकाल दिए थे प्लेट में। और बस इसमें हम डालेंगे जीरा का फोरन। जैसे ही तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तो हाफ स्पून लगभग हमने जीरा डाल दिए, 1 तेज पत्ता, आप चाहें तो 1 सूखी मिर्ची भी डाल सकते हैं। पर फ्रेंड्स हमने सूखी मिर्ची यहाँ पे स्किप कर दिए हैं, ग्रीन चिल्ली ही 3 लिए हैं। और हमने 1 प्याज लिए थे, आप चाहें तो प्याज को छोटे छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं, हमने स्लाइसेस वाइज कट कर दिए हैं। और इसको हम गोल्डन होने तक प्याज को भी फ्राई कर लेंगे। तो देख सकते हैं बस अच्छे से बिल्कुल गोल्डन कलर आ गया है। तब हम इसमें कुछ मसाले को ऐड करेंगे। तो सबसे हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिए 1 स्पून लगभग। पहले ही हम हरी मिर्ची डाल दिए थे फिर, इसीलिए हम थोड़ा सा कम ऐड किए हैं। अब हम साथ में नमक हल्दी भी यहीं पे डाल देंगे। तो बस पहले हम थोड़ा सा पानी डाल दिए ताकि जो हमने मसाले को ऐड किए हैं मिर्ची और लहसुन का पेस्ट जले नहीं। अब हम नमक और हल्दी को टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने हल्दी और नमक को ऐड कर लिए हैं। और बस इसको अच्छे से एक बार हम मिक्स कर देते हैं। पानी आप जरूर ऐड कर दीजिएगा, 1 से 2 चम्मच, पर इससे क्या होता है मसाला हमारा जलता नहीं है। तो थोड़ा सा हल्दी कम लग रहा था तो हमने डाल दिए हैं। अब हम और भी मसाले यहीं पे ऐड कर रहे हैं। तो 1 स्पून हम भर के धनिया पाउडर और 1 स्पून छोटी स्पून से हमने यहाँ पे सब्जी मसाला ऐड करेंगे। और साथ में हम 1/2 स्पून यहाँ पे जीरा पाउडर और 1/4 स्पून काली मिर्च पाउडर डाल दिए हैं और अच्छे से हम चला लेंगे। यहाँ पे भी आप 1 से 2 चम्मच पानी फिर से डाल दीजिए ताकि मसाला अच्छे से फ्राई हो और जले नहीं। तो देख सकते हैं फिर हमने थोड़ा सा और पानी डाल दिए थे और यहाँ पे डाल देते हैं 1/2 छोटी स्पून
कश्मीरी रेड मिर्ची पाउडर, इससे कलर बहुत प्यारा आता है सब्जी में। आप चाहें तो डाल सकती हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकती हैं। और हाफ स्पून हमने गरम मसाला को डाल दिए हैं, और बस हमारा सारे मसाला यहाँ पे रेडी है। अब कोई भी मसाला इसके और नहीं ऐड करेंगे इसके अलावा। तो बस यहाँ पे फ्रेंड कवर करके मसालों को पहले फ्राई कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, तेल भी बिल्कुल सेपरेट हो गया है, ऊपर आ गया है, और मसाला भी अच्छे से भून गया है। तो 2 से 3 मिनट ही लगे हैं फ्रेंड, अच्छे से बिल्कुल भून गया है। तो आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ी देर और भी इसको भून सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम और भून लिए थे, 1 से 2 मिनट के लिए। अब बिल्कुल ये रेडी है। इसमें पानी को 1 से 2 चम्मच डाल दिए हैं, और अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। हमने जो हमने फ्राई करके रखे थे फ्रेंड सोया बड़ी आलू, यहीं पे डाल देंगे, और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो भी यहाँ पे मसाला है सब्जी में बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो बस अच्छे से मिक्स करके हम फिर से इसको 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे फ्रेंड कवर करके। तो आप बीच बीच में चेक भी कर लीजिएगा। तो फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर दिए हैं, और इसको हम कवर कर लेते हैं। फिर एक बार हम चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, और इसको चला लेते हैं। तो देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। आप इसको रोटी सब्जी खा सकते हैं, बहुत यम्मी लगती है। आप चाहें तो पूड़ी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। और दाल चावल के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। बस फिर से हम एक बार और कवर करेंगे फ्रेंड्स, और इसको फिर से हम 1 से 2 मिनट के लिए कवर कर दिए थे। अब इसको हम चला लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारा जो भी आलू और सोया बड़ी था, उसमें अच्छे से मसाले अंदर तक अब्जॉर्ब हो गए हैं। तब हम इसमें पानी को डाल देते हैं, जितना भी ग्रेवी रखनी है अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। तो बस हम अच्छे से एक बार चला लेते हैं फ्रेंड्स। और अगर अभी नवरात्रि चल रहा है, तो अगर आप इस सब्जी को बनाना चाहते हैं फ्रेंड, तो बना सकते हैं। खाली सादा नमक की जगह आप सेंधा नमक का यूज करके आप बना सकती हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। और आप रेड मिर्ची पाउडर स्किप कर सकते हैं, बाकी सेम मसाले में बना सकते हैं। जो लोग अनाज खाते हैं फ्रेंड, उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। इस तरह से आप बना के बहुत ही टेस्टी और यम्मी बना के खा सकते हैं। तो बस यहाँ पे हम कवर करेंगे, पहले थोड़ी देर फ्लेम को हाई रखेंगे, फिर मीडियम कर देंगे, और मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक देख सकते हैं हमने पका लिए थे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, वो कितना यम्मी और टेस्टी हमारा सब्जी बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। और देखिए थिकनेस इसका कितना गाढ़ा हो गया। तब हम इसको बंद कर देते हैं, और धनिया पत्ती से यहाँ पे आप सर्व कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है फ्रेंड, तो बस ऐसे ही रहने नहीं। और देख सकते हैं हमारा सब्जी बन के बिल्कुल रेडी है। तो आई होप फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड फैमिली में। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।